Yo guys, good morning! Namaste, Sasriyakal, adab ke manacho. मैंने सोचा start ही ऐसे करते हैं. घर पे हम रह के कर रहे थे practice टिप टिप बरसा पानी की और बाहर भगवान जी ने इतनी तेज बारिश बरसा दिया कि बस क्या ही बोले. सबसे खुशी की बात तो ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि वसूली को जब मैंने सुबह उठाया 5:30 तब बारिश नहीं हो रही थी, ऐसा मौसम था. और थैंकफुली मैं उसको नीचे से फ्रेश करा के लाई. ये बेस्ट फीलिंग होती है. फिर मेरे को ऐसे रिग्रेट होता है कि शिट बारिश हो रही है, मैं उसको बाहर नहीं लेके जा पा रही हूँ. और ऐसे बस घर पर होता नहीं है फ्रेश. बट अब मैं निकल के जुम्बा कैसे जाऊँ, बहुत ही तेज बारिश हो रही है. थोड़ी देर वेट करते हैं, अभी 10 मिनट है. आज गाइज है बहुत ही एक्साइटिंग दिन, क्योंकि घर जाके करने हैं बहुत सारे काम एज यूजुअल. मैं शायद हर ब्लॉग में बोलती हूँ. तो आज हम जा रहे हैं कहीं, तो वो आपको मेरे ब्लॉग के थ्रू पता चल जाएगा. और आई थिंक मैं इंस्टाग्राम पे भी डाल ही दूंगी जब तक ये ब्लॉग आएगा. तो स्टे अपडेटेड, बिकॉज़ होने वाला है बहुत ही फन अगले 2-3 दिन. अब आई थिंक आई हैव नो ऑप्शन लेफ्ट, बारिश में भीग कर ही जाना पड़ेगा क्लास के लिए. 1 ही मिनट बचा है, लेट्स गो. दिस इज हाउ यू अटेंड अ क्लास इन रेनी सीजन. हालत खराब हो चुकी है गाइस. आई जस्ट केम फ्रॉम द ज़ुम्बा क्लास. पहले तो शूज उतार के किया मैंने, क्योंकि मैं बहुत महान हूँ. बारिश हो रही थी, आई वेंट टू द जिम और मैं जैसी गाड़ी से उतरी तो धप करके पैर मेरा, मतलब मेरे शूज पूरे पानी में से गीले हो गए थे. तो मैंने नंगे पैर किया एंड ऊपर से आज जब मैं सुबह उठी थी ना तो मेरे बैग में थोड़ा सा पेन था. बट आई डिडंट नो कि मुझे जाकर ऐसे एंथुसियाज्म से नहीं करना चाहिए. मैंने 2 गाने किए, माय बैक इज गॉन नाउ. बहुत ही ज़्यादा पेन है. आई डोंट नो, घर जाकर रेस्ट भी नहीं होगी क्योंकि निकलना है हमें आई थिंक 2:30-3 बजे. अभी 8:30 हो रहा है तो मैंने कुछ भी पैक नहीं किया है. आई टू पैक एवरीथिंग इन ऑल ऑफ दैट स्टफ. मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा मेरी बैग 12 बजे हुए हैं, एक्चुअली बजे हुए हैं बैग की वजह से. तो आज ज़ुम्बा भी इतना मतलब जोर शोर से नहीं किया मैंने. मैं बेंड ही नहीं हो पा रही थी. आई जस्ट होप इट गेट्स वेल विद टाइम. बस आज शाम से पहले हो जाए. दिन का बेस्ट पार्ट होता है कि जब घर वापस आवन वसूली इतने प्यार से हग करता है और लिक करता है ना, मज़ा आ जाता है यार. मतलब इतना प्यार फील होता है ना. एंड आई थिंक आज इसको ऑलरेडी इंट्यूशन आ चुकी थी कि हम इसको छोड़ के जाने वाले हैं, विच वॉज़ द वर्स्ट थिंग. मतलब पहली बार ऐसा था कि मैं बाहर जा रही थी बट वो एक्साइटमेंट नहीं थी क्योंकि वसूली को छोड़ के जाना था. यो गाइस, क्या लाइटिंग है यार. मैंने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया. जिम से आकर मैं सो गई थी, बहुत ही बैक की बैंड बची हुई थी. अभी भी बहुत दर्द है बट अब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे एक्साइटमेंट आ रही है जाने की. तो और ना वसूली को आई थिंक ना वाइब्स आ गई है थोड़ी सी कि हम लोग जा रहे हैं. यार मत करो ना. गाइस तैयारी स्टार्ट हो चुकी है. हेलो गाइस, मैं एक्साइटेड नहीं थी तो डांस लगाओ, मैं बैक के लगाओ. मैं एक्साइटेड नहीं थी तो मैंने कुछ भी नहीं करवाया आज सच ना. मेहंदी लगवाई, जबकि लगवाना बहुत सब कुछ मेहंदी लगवानी थी बट टाइम ही नहीं मिला. अबे इस पे गोल्डन आएगी दूसरी वाले. जिसने मेरी बहन के व्लॉग पे गंदा कमेंट किया उसको धनराशि दी. कोई तो कमेंट कर दो धनराशि दे रहा हूं. कच्चे जो तो लाए ना पैसे तो मुझे मेरी जैकेट. यार मत कर, मेरी नेल पॉलिश खराब कर रही है. गुगु हाय बोल दो सबको. तो गाइस हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर में और बाकी बैंड बजी हुई है. ये मुझे जानबूझ के बनाने नहीं दे रहा है. आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड. मैं भी नेल पेंट लगवा रही हूँ, कितने गंदे नेल्स हो रहे हैं बट ठीक है. यो गाइस, सो वी हैव गॉट रेडी एंड सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि वसूली को छोड़ के जाना है और बिल्कुल ऐसे मन नहीं कर रहा है. सारा फोकस वसूली पे रहो, बैठ के सुन रहा है. आई थिंक इनको वाइब्स आ जाती तो सुबह से ऐसे प्यार कर रहा था. थोड़ा ढीला ही बांधना तो अब दिखाती हूँ. हाँ ठीक है. हाय हाय मेरी चूना काका. चूना बेबी आपको कुछ चुन चुके. हेलो बेटा. गुड बाय गुड बाय. पसीना मत पूछ मुझसे. ये देखो हमारी दीदी
बाय बाय दादू। पक्का हाँ देखे मैंने, उठा लूँ मम्मा उसको, निकल पड़े हैं हम। मम्मा आई थिंक पहला ट्रिप है जिसमें एक्साइटमेंट नहीं हो रही इतनी, क्योंकि वसूली पीछे है, क्योंकि वसूली पीछे है तो थोड़ा वैसा है दिल में। वो देखो गुगा कम प्लीज। चलो मिले बेटा, मिले बुबू बेटा, और मिले जोना बेबी। शीतल दीदी और उनके भाई पुनीत भैया रखेंगे हमारे वसूली का ध्यान। दीदी मेरी जान बचती है इसमें, तो इससे बहुत ध्यान रखना है इसका, बहुत ही ज्यादा पैम्पर किया हुआ है हमने इसको, ध्यान रखना है अपना। थोड़ी देर में आ रहे हैं हम, ठीक है? कितना ड्रामा करती है। जयकारा शेर वाली दा बोल साचे दरबार की जय। मौसम तो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही सुहाना था, लेकिन एक गलती से, गलती जो मुझसे हो गई थी वो ये थी कि मैंने कैब जो है मिनी बुक कर ली थी, जबकि हमें करनी एसयूवी चाहिए थी, क्योंकि सामान बहुत ज्यादा था और बहुत ही कंजस्टेड तरीके से हम बैठ कर गए। तो ये गलती आप मत करना अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। लग रहा है नवी मुंबई क्रॉस कर रही हूं। मुंबई में ठंड है। एक्सक्यूज मी, नवी मुंबई में जाते हो ट्रेन में ऐसे वो दिखता है और बादल इससे ज्यादा सुनते हैं। मुंबई इज वेरी वर्स्ट सिटी, आई डोंट लाइक। रोड दिखा दो, मुंबई में है नहीं शायद। है, घूमना पड़ता है, घूमना पड़ती है रोड बेटा, घूमना पड़ती है सबके सब चुप। गाइस ये है जीएलएन स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, बाहर से आपको मैं दिल्ली घुमा सकती हूँ। एयरपोर्ट से ले लेना, मिल जाएंगे। पहले सुना दे तो पैसा आज की महल है, महल होना भी चाहिए ना बेटा। बात तो सही है गाइस, मैं तो 2024 में बहुत सारे आए बेटा भाई के, हेलो ट्रैवल कर चुकी हूँ, बट मैं आज यार क्या है, रुक जाओ यार, रुको यार। मेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब मैं बोलने वाली थी लोगों की, आई थिंक हम लोग काफी टाइम के बाद चारों साथ में कहीं निकले हैं। गलत। हाँ मतलब चारों ऐसे कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं। अब मैं आरन को बोल रही हूँ, लेकिन दो इंसानों के बीच में बिठा दिए ये भाई साहब। आज मम्मी एकदम ओ टी जी में आए, एयरपोर्ट जाकर दिखाती हूँ। हाउ इज़ द जोश? बड़ा ही गंदा हाय बोला। हाउ इज़ द जोश? फ्लाइट डिले हो चुकी है और जाके हम लोग लॉन्च एक्सेस लेंगे। बैटरी ऑलरेडी डेड हो चुकी है, थकान हो चुकी है, हंसने से कुछ नहीं होता। फ्लाइट डिले हुई है, 7:05 की हुई है, बस उससे ज्यादा ना हो। पहुंच चुके हैं हम एयरपोर्ट। पहुंच चुके थे हम टर्मिनल 3 के एयरपोर्ट और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत लॉन्च एक्सेस वगैरह सब कुछ था, बट जो मैं इतने पहले से बोलते आ रही थी कि हमारे पास बहुत टाइम है, फ्लाइट डिले हो गई है वगैरह, कुछ नहीं हुआ। सिक्योरिटी चेक में एकदम हम लेट हो गए हैं और ज्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं था बिल्कुल भी। ओह माय गॉड थैंक यू, यू लुक ब्यूटीफुल। अच्छा वो मैं रिकॉर्ड कर रही थी इस टाइम पर। थैंक यू स्टारबक्स। मम्मा और मैं आ चुके हैं स्टारबक्स, आर्यन और पापा खा रहे हैं लॉन्च में कुछ खा रहे हैं और 5 मिनट बचे हमारे बोर्डिंग स्टार्ट होने को, तो मैंने मम्मा को बोला इतना भागना नहीं है, जाके स्टारबक्स से कॉफ़ी लेंगे तो चिल करते हो जाएंगे। एंड बाकी जम्मू की जितनी भी फैमिली है वो पहुँच चुकी है, लैंड हो चुकी है, अब हम लोग मिलेंगे चिकन। कुछ भी कह लो गाइस, कितनी भी बात तुम स्टारबक्स खरीदो, एक ऐसी एलीट फीलिंग तो आती है हाथ में लेके कॉफ़ी स्टारबक्स की। और वैसे भी आज तो स्टारबक्स वाले भैया ने खुद ही तारीफ करती थी, तो बस सारी थकान मेरी उतर चुकी थी और मज़े में थी एकदम। ये रहे मेरे मामू, जो लोग मेरे व्लॉग्स पहले से देख रहे हैं उन्हें पता ही होगा मामू की बात है, मामू का डांस सब कुछ कितना एंटरटेनिंग होता है। तो इसके बाद हम निकल चुके थे फ्लाइट के लिए, जैसे जो बाकी फैमिलीज आई थी मैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि आधे लोगों की परमिशन नहीं थी, तो मैंने बोला कि छोड़ो यार क्यों अपना मूड ऑफ करना, रहने देते नहीं रिकॉर्ड करेंगे। गाइस देखिए ये है मेरी पूरी फैमिली, हम सब फ्लाइट में बैठ के जाने वाले थे, पूरी फ्लाइट बुक करी थी, काश मैं बोल पाती बट ऐसा कुछ नहीं है, हम कुछ 10-12 लोग थे जो जा रहे थे। बागी के बागी पीछे है एंड मैं सबका रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मना किया है, आधे लोगों को कैमरा पे नहीं आना, तो पहले ही बोल दिया है कि हमें मत रिकॉर्ड कर दो, तो कोई बात नहीं करें, सब हम अपनी रिकॉर्डिंग करके जाएंगे, आपको दिखाएंगे हम कितने ज़्यादा मज़े करते हैं।
सिर्फ नेल पेंट लगा के अपना जीप लगा इतना टाइम बाद लगा पता नहीं आवाज़ आ रही थी। इसकी ब्लर ब्लर जो है ये है हमारा दूल्हा और दूल्हे की मम्मी दिख नहीं रहे होंगे और ना हम दिखा सकते हैं बिकॉज मना है बट वी आर कमिंग टू पिक यू अप परनाली दीदी। तो भैया हो चुके थे हम स्पाइसजेट फ्लाइट में बैठ के रेरी उड़ान भरने के लिए और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जैकेट लेकर क्यों आई हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी। ओ माय गॉड पता नहीं एसी नहीं चलाए थे क्या हुआ था। आर्यन बैठा था हमारी ऑपोजिट सीट पे, इस सीट पर थे मैं मम्मी और पापा और एकदम फन करके जाने वाले थे। तो आज का नो जैसे कि मैंने 5 साल पहले बुक खरीदी थी, जस्ट कटिंग बहुत पहले खरीदी थी बट अभी तक पूरी पड़ी नहीं। तो क्योंकि मेरे लोमड़ी जैसे भाई ने अपनी बहन को बेवकूफ़ बनाकर एज यूजल हेडफोन्स मेरे चुरा लिए थे तो मैंने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं फ्लाइट का टाइम हम बुक पढ़ के निकालेंगे। और एक्चुअली मैंने जब पढ़ना स्टार्ट की तो काफी अच्छी बुक थी यार। फिर हमारे लिए आ चुका था मील और मम्मी ने लिया था हैदराबादी बिरयानी और मैंने लिए थे नूडल्स क्योंकि मेरे को विश्वास नहीं होता कि और कुछ इनका अच्छा है या नहीं। तो मैंने सोचा कि सेफ साइड पे रहते हैं और नूडल्स लेते हैं ताकि बीटी ना हो। गाइस कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर बहुत है लेकिन मुझे ना वो वाला कॉन्फिडेंस चाहिए जो क्रिएटर्स फ्लाइट में बैठ के से वीडियो नहीं बना लेते। कैसे बनाते भाई, कहां से लेकर आऊंगा कॉन्फिडेंस, मैं यही सोच रही थी मैं। इसके बाद मिला आर्यन को धोखा क्योंकि हमने खाना मंगवा लिया बट उसको कुछ नहीं दे रहे थे मम्मा पापा, ऐसे मजे लेते क्योंकि उसने ना एयरपोर्ट पे KFC ले लिया था और हमें कुछ भी उसने पूछा तक नहीं था। हुआ क्या कि मम्मा पापा के पास पेटीएम था, कैश कोई लेकर नहीं आता, सिर्फ आर्यन के पास कैश था तो एंड में आर्यन के ही पैसे यूज हुए और बेचारे को कुछ खाने को भी नहीं मिला। जैसे को तैसा, अबे चल निकल। मुझे कभी कभार लगता है 10 लोमड़ियां मरी होंगी तब जाके आर्यन पैदा हुआ होगा। भाई इतना चलाक कैसे है ये, मतलब थोड़ी देर इसने ड्रामा किया फिर इसने कुछ मांगा नहीं और फिर हमने KFC का पैकेट दोबारा निकाला क्योंकि जो उसने KFC खरीदा था वो खत्म ही नहीं हुआ था। बाप रे, मानना पड़ेगा इस लड़के को। तो गाइज मैंने अपनी सीट चेंज करी थी क्योंकि जितने रिलेटिव आए थे ना सब इधर से उधर हुए जा रहे थे, मेरे को बड़ा एम्बेरसमेंट हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि घर में घूम रहे और फ्लाइट में नहीं। तो मैंने सोचा कहीं और जाके रेस्ट करते हैं। ये है मेरे मौसा जी जिनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया, उन्हें पता तो नहीं चला बट ये मुझे क्या ही डांटेंगे यार। पहुँच चुके हैं हम लोग। अबे बोलो कुछ, पहुंच गए हम, सामान नहीं मिला है, फ्लाइट में मिल रहा है, अपने बाइक में मिल रहा है। गुवाहाटी पहुंच चुके हैं हम, लड़की वालों को बता दिया कि हम आ गए। चलो वो टोर वाले बैंड बजा लेके आ रहे हो, इतना एंबैरस किया इन लोगों ने मुझे फ्लाइट में कि मेरे पास क्या ही बताऊं। मैंने एंड में सीट चेंज कर ली थी अपनी। वेलकम टू गुवाहाटी एयरपोर्ट everyone, we're at the Guwahati airport. Wow. ये हैं हमारे शिवम भैया जो कि हैं बड़े प्यारे और आगे हमें इनसे बहुत ही ज़्यादा कंटेंट मिलने वाला है। तो ये हैं हमारे दुल्हे के वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, इनकी शक्ल पर भी फिलहाल दिख रहा है कि भाई मुझे कोई बेड दे दो, मुझे बस सोना है जाके। सबके बैग गीले हो रखे हैं। मम्मा ऑल सेट, सब आ गया सामान वगैरह, अपडेट दे दो जरा। बहुत ही बढ़िया, मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आई हूँ और फर्स्ट टाइम भी बहुत एंजॉय करके गई थी और इस बार भी धमाल करके जाऊंगी। तो ये है हमारे बड़े ही फेमस मामू जो कि जाने जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, डांस के लिए और पीने के लिए। और एज यूजुअल इन्होंने आज भी दिखा दिया था अपना लगेज छोड़ के, ये एग्जिट कर चुके थे और कहते मेरा लगेज ले आना, मैं तो जा रहा हूँ भाई अपनी जगह पर ताकि मेरे मजे में कोई कमी ना आ पाए। पूरी फैमिली आके बताओ जरा यहाँ घुसी हुई है, मैं ही अकेले बाहर खड़ी हूँ, ये सब गलत काम नहीं करती मैं। मैं यही बोल रही हूँ, सब गलत काम करने घुसे, मैं तो बाहर खड़ी हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ। पहुँच चुके हैं हम गुवाहाटी हवाई अड्डे पे, लड़की वाले लेने आए हैं, मतलब भाभी के, ओ माय गॉड भाभी दीदी के भैया और छोटी दीदी लेने आए हैं हमें। पहुँच चुके हैं हम होटल। यस, क्या शादी है, क्या बात है, मामू आए हैं, सारे आए हैं, खींच लो। दारू बताऊं, दारू की पापा मारेंगे। मामू के लिए है ये सारी है, ये क्या पानी है, हम किसे डरते थोड़ी हैं। इंडिया का जो लेमन है ना ये उसका बड़ा भाई है जो नॉर्थ ईस्ट में है।
इसलिए इसका जो नाम है नींबू, नींबू का बड़ा भाई है। अपने अपने रूम में वेल सेटल्ड होकर हम निकल चुके थे डिनर के लिए, और मैंने इसके बाद कुछ ज्यादा रिकॉर्ड किया नहीं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। आगे की शादी एंजॉय करने के लिए, आसाम एंजॉय करने के लिए, स्टे ट्यून्ड गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस।